हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहां पर जिले के 6 छात्र कोरोना संक्रमित हुए हैं। बसीन सरकारी स्कूल के 4 और दूसरे स्कूलों के 2 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है, हालांकि स्कूल को फिलहाल बंद किया गया। वहीं दूसरे छात्रों की भी कोरोना जांच कराई जा रही है, तो जिला शिक्षा अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुले हैं, लेकिन इसके बाद अब बड़ी संख्या में छात्र कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दुर्ग जिले के 6 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बसीन सरकारी स्कूल के 4 और दूसरे स्कूलों के 2 छात्र कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद स्कूल को सैनिटाइज किया गया और बंद कर दिया गया है। पहले प्रवेश उत्सव मनाया गया, उसमें स्कूलों में तो किसी प्रकार के संक्रमण की स्थिति नहीं है, लेकिन जामुल क्षेत्र के बासीन में जो 2-3 दिन पहले जो जाँच कराई गई थी, उसमें 4 बच्चे संक्रमित पाए गए थे। तो बहुत सारी जगहों ने, सरपंच ने सहमति नहीं दी स्कूल खोलने के लिए, कुछ जगहों में पालकों ने सहमति नहीं दी। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के 14 स्कूल बंद हैं, लेकिन मोहल्ला क्लासेस चल रही है। पाटन में 16 स्कूल बंद हैं, वहाँ पे भी मोहल्ला क्लासेस चल रही है। धमधा में 11 स्कूल है और दुर्ग ग्रामीण में 17 स्कूल, तो टोटल 59 स्कूल ऐसे हैं जो 2 अगस्त के बाद से साला खुल नहीं रही है, लेकिन मोहल्ला क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस वहाँ संक्रमित हैं, संचालित हैं। कुल मिला के 6 बच्चे अभी संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन साला के भीतर नहीं पाए गए हैं, वो स्कूल खुलने। संवाददाता अनुभूति भाकरे ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। अनुभूति, यही डर अभिभावकों को था और यही चिंता थी, जब से स्कूल खुले हैं तब से छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में छात्र अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दुर्ग जिले के 6 नए छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी बिल्कुल, लगातार जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ दुर्ग जिले बल्कि छत्तीसगढ़ भर में, और यही डर पालकों को पहले से था और यही वजह है कि वो लगातार स्कूल खोलने का विरोध कर रहे थे। लेकिन सरकार ने आनन फानन में स्कूल खोल दी, गाइडलाइन तय कर दी गई, लेकिन गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है इस पर अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है, क्योंकि लगातार बच्चे संक्रमित होते जा रहे हैं। देखा जाए तो सरकार को एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह से जो लगातार संक्रमण बढ़ता गया तो जो तीसरी लहर की आशंका थी वो तो पहले से ही जो है तीसरी लहर की आशंका की बात कही जा रही थी, तो वो तीसरी लहर आने में वक्त नहीं लगेगा और ये बच्चों के लिए काफी घातक भी साबित हो सकता है। तो सरकार को एक बार पुनर्विचार अपने फैसले पर करना चाहिए। बिल्कुल, और बड़ी संख्या में छात्र कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। शुक्रिया आपका अनुभूति जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, 2 अगस्त से छत्तीसगढ़ में स्कूलों को खोला गया है, छात्र स्कूल पहुंच रहे थे, लेकिन उसके बाद से ही लगातार पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और दुर्ग जिले के 6 छात्र कोरोना संक्रमित हुए हैं।